देखिए रास्ते में गुजरते हुए मिला भेड़ों का झुंड। और हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए ये है भेड़ का बच्चा सीप, और ये रास्ते में मिल गया हमें। तो हमने ये है यहाँ झुंड के पास आए, और ये देखो नवजात भेड़ के दो तीन दिन का बच्चा है ये, और दो तीन दिन का बच्चा है, लेकिन ये भी घूमना तो इन्हें भी पड़ता है अपनी माँ के साथ। और ये इस तरीके से ही खाना सीख जाते हैं अपनी माँ के साथ, जैसे घूमते हैं अपने झुंड में। और देखिए काफी दूर तक है, काफी बड़ा झुंड है इनका। देखिए पूरे के पूरे खेत में, पूरे खेत में चार पांच बंदे हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए। ये पूरे खेत में जो है चल रही है, घास खा रही है पूरे खेत में। ये खेत खाली पड़ा है, फसल इसमें कट चुकी है, और जो बाकी इसमें घास बची है वेस्टेज, ये बारीक बारीक सी घास खाती है ना। हाँ, जो वेस्टेज घास है वो तो है। वो इनका चारा बनता है। देखो चारवाहे इनके साथ में हैं तीन चार, बाकी फसल को नुकसान से बचाने के लिए चारों तरफ घेराबंदी करते हुए। और इनमें जो है मेल सीप भी हैं और फीमेल भी हैं, दोनों ही हैं। कुछ काली हैं, कुछ सफ़ेद हैं, और कई कलर की हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट, मतलब दोनों कलर की हैं। और बकरियाँ भी हैं, बकरियाँ भी हैं इसमें, देखिए। तो बच्चे को तो मैंने गोद में उठा लिया था। अगर मैं बड़ी वाली भेड़ को हाथ लगाने के लिए सोच रही थी तो दूर भागती थी। और जो इनके चारवाहे होते हैं, जो इन्हें चराते हैं, वो इन्हें किसी भी तरह छू लेते हैं, क्योंकि इन्हें पहचान होती है अच्छे से। और मैं उस तरफ जा रही थी, उसे घास भी दे रही थी छोटा छोटा सा, लेकिन वो दूर भाग जाती थी। और देखिए कई कलर की है ये भेड़, वो ब्लैक से कलर की है कुछ, और कुछ वाइट है इसमें, और इनके ऊपर कुछ कलर सा भी है। देखिए कई कई तरह की है ये, और इनसे हमें कई सारे फायदे होते हैं। एक तो इनका दूध जो है फायदेमंद होता है, बुखार में बहुत ज़्यादा काम आता है, और ऊन बनती है, कई तरह की ऊनें भी बनती हैं, और भी कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं हम इनकी, जो रोम होती है ये। तो ये कितनी भेड़ होंगी? 150 हैं सब मिला के। बकरी कितनी होंगी इसमें? बकरी 5-7 होंगी। 5-7 बकरी हैं। अच्छा, तो दूध के अलावा क्या क्या काम में ले जाएं ये भेड़? अच्छा, मतलब मांस में काम आती है। तो खरीद तक कौन है इनकी? मंडी लगे कहीं का? मंडी दिल्ली या देहरादून, अम्बाला। अच्छा, तो वहाँ पर ले जाते रहो। तो एक भेड़ कितने दिन में ब्याह है? 6 महीने में। एक साल में 2 बार ब्याह जाए, और बच्चे एक या दो? एक भी देती है, दो भी देती है, कोई देती है। तो कुल मिला के डबल हो जाता होगा रिवर्ट तो एक साल में, अगर परमात्मा राज्य सर्ग दे। हाँ, ठीक ठाक अगर रहे, बीमारी से बचे रहे तो डबल हो जाती है साल में, डबल हो जाती है एक साल में। तो आप अकेले ही हैं, कोई साथी है इसमें? नहीं, साथी हैं, चार लोग हैं हमारी। अच्छा, चार जनों की हैं, किसी की 20 है, किसी 50 है, किसी 60 है, इस तरह से इकट्ठी चला लें मैं, इकट्ठे हो गए। तो मंडी में कौन सी में ले जाया करो फिर, या ग्राहक खुद आता है हमारे यहाँ, घर पे आ जाते हैं, वहीं से छांट लें, हमने बेचना है वो बेच देते हैं। अच्छा, ऊन भी बताते हैं, ऊन कहाँ जा होती है इसकी, हाँ मतलब ऊन उतारने वाले भी घर पे आ जाए? नहीं, ऊन खुद उतारते हैं, ऊन खुद ही उतारते हैं। तो क्या भाव चली जाए, जैसे कच्ची ऊन उतारी आपने इनके रूम में? ये तो कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। अच्छा जी, मतलब फिर भी काटने पड़ते हैं इनके भाव? काटने पड़ेंगे गर्मी के लिए। अच्छा जी, देखो चूम रहा है बकरी का, ले बकरी का पकड़ रखा है लेडीज ने, खेत में काम कर रही होगी। तो जैसे जहाँ पे भी आप अभी निकाल लोगे? नहीं, बच्चे भी होगा। अच्छा, तो जहाँ पर रुकोगे जैसे खाने पीने का कैसे इंतजाम है? अच्छा, खाने बनाने का सब है, एक गद्दा है। तो कितने दिन के टूर पे आ रहे हैं जैसे घर से? चल दिया था दिवाली पे, जी दिवाली पे, अब तक बाहर ही हो? अच्छा जी, घर जाते रहे, बीच में जाते रहे। तो काफी फायदा, मतलब ठीक ठाक है प्रॉफिट? हाँ जी, प्रॉफिट ठीक ठाक है, मजदूरी बन जाती है। हाँ, मतलब ये है कि ठीक है। तो चराने के लिए कौन सा एरिया सबसे बढ़िया आसपास में? सारे बढ़िया है, मेरठ से मोड़ी थी। अच्छा, क्या बात है।
अप्रैल में कैसे दूध पिलाती है। और देखिए भेड़े बच्चों को दूध पिलाती है, वैसे बड़ी हो रही है लेकिन अभी भी दूध पी रही है अपनी माँ का। ये भेड़ ये बच्चों को देखकर फिर खड़ी रहेगी पास में। अच्छा और देखिए ये बकरी, ये इसका बच्चा, और इसे जब तक पता नहीं था हमने इसे पकड़ लिया था और पकड़ते ही हमारे पास आ गया। और ये चलती फिरती दूध पिलाते रहते हैं इन्हें। और बकरी का दूध आप जानते ही होंगे, आपने सुना भी होगा, डेंगू या किसी भी जो फीवर होता है उसमें प्लेटलेट्स जो कम हो जाती हैं, और ये बहुत फायदेमंद दूध रहता है बकरी का, काफी फायदेमंद साबित होता है। और ये अभी देखो दूध पी रहा है अपनी माँ का। और जब ये दूध पिला रही थी तो मैं इसके ऊपर हाथ लगाकर इसे छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। मैंने इसका बच्चा भी उठाया गोद में। और ये देखिए पूरे खेत में जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये लगभग 150 भेड़े और बकरियां मिला के हैं, काफ़ी मात्रा में हैं। ये हमें बीच में रास्ते में दिखाई दिए तो हमने रुक कर जो है इनके साथ में इनकी जानकारी तो ली है। अब हम लोग यहाँ से चल दिए थे तो पूरा बड़ा खेत है ये, तो ये पूरे खेत में फैली हुई थी, चुग रही थी, तो मैंने सोचा एक बार और थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ले। ये देखिए कितनी सारी हैं, 150 की संख्या है इनकी, और ये गिनकर ही रखते हैं, और छोटे बड़े बच्चे सब हैं इनके साथ में। कई कलर की हैं ये, भेड़ भी हैं और 5 बकरियाँ इनके साथ में। ये बता रहे थे जो इनके साथ हैं इनके मालिक भेड़ के। और ये बारीक बारीक से घास को, हरी पत्तियाँ वाला जो बारीक घास होता है उसे ही चरती हैं, बड़े को तो छोड़ देती हैं। जो बेल से टाइप का होता है उसे ज़्यादा चरती हैं, मैंने पूछा था इनसे, यही इनका खाना होता है। और देखिए कितने मज़े से हरा हरा चारा ये चर रही है, और चलती रहती हैं, एक जगह खड़ी होकर नहीं खाती हैं ये चलती फिरती रहती हैं, ऐसे ही खाती रहती हैं। और देखिए दूसरे कलर की भी इसमें भेड़ हैं, ये कुछ डिफरेंट कलर है इनसे, ये सब वाइट थी, और ये देखिए कैसा कलर है। और मैं बार बार इनको छूने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये तभी भाग जाती थी, जब भी मैं इनको हाथ लगाना के लिए सोच रही थी तभी आगे चल पड़ती थी। तो बच्चा तो मैंने खिलाया भी है, थोड़ी देर उठाकर रखा था गोद में जाते ही, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर सा बच्चा था भेड़ का, छोटा सा जो मैंने उठा रखा था, और एक बकरी का बच्चा था छोटा सा ही। और ये बकरी, ये दूसरी बकरी है, वो ब्लैक कलर की थी जिसका बच्चा मैंने गोद में उठाया था। और ये जो जिनकी ये भेड़ हैं, ये 4 बंदे हैं। तो देखिए जब हम घर आए तो मैंने गेट पर देखा 2 पिल्ले लड़ रहे थे, ये बहुत मस्ती करते हैं गेट पर, एक लाल रंग का है और एक काले रंग का है, दोनों आपस में खूब मस्ती करते हैं, यहीं पर रोटी डालते रहते हैं इनको, गेट पर ही बैठे रहते हैं। तो इनकी इस टाइम चल रही थी मस्ती, मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये देसी है एकदम, और जब भी कोई ऊपर आदमी आता है तो बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, अभी से पता है नहीं क्योंकि हम इन्हें रोटियाँ डालते रहते हैं। और मैं इनके नज़दीक खड़ी थी बिल्कुल, लेकिन ये तब भी नहीं भागे क्योंकि इन्हें पता है, ये जानते हैं हम इन्हें रोटियाँ डालते रहते हैं, तो इसलिए अगर कोई आ जाता तो ये दूर दूर हो जाते, लेकिन फिर भी आपस में मस्ती करते रहे। मैं एकदम बिल्कुल नज़दीक खड़ी थी इनके, तब भी नहीं हटे, ये आपस में पूरी मस्ती चलती रहती है इनकी दिन भर में, बहुत भौंकते हैं।
तो इनकी मस्ती देखिए और वीडियो का एंजॉय कीजिए। कल फिर मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।